हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारी स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार राज। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए यूट्यूबर्स के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस, आज नए यूट्यूबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने चैनल बनाया, वीडियोज अपलोड किया, 10,000 व्यूज़ भी पूरे कर लिए अपने चैनल पर, लेकिन कई लोगों के साथ 15 दिन से, 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2-2 महीने तक, जी हाँ 2-2 महीने तक, आपको ही नहीं हजारों ऐसे लोग हैं इंडिया में जो आज वेट कर रहे हैं। उनके चैनल पे जो है अभी तक से फैसला नहीं आया है। उनके सामने स्क्रीन पे अगर वो यूट्यूब पे लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने ये स्क्रीन आ रहा है। मोनेटाइजेशन टैब में जाते हैं तो यहाँ पे लिख कर आता है चैनल स्टेटस इन रिव्यू। नीचे दिखाया जा रहा है कि ये 3 टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपका अभी चैनल जो है अंडर रिव्यू है, आप वेट कीजिए। आमतौर पे जब शुरुआत हुआ था इस चीज़ का तो 1 हफ्ते में रिप्लाई कहा गया था कि आ जाएगा आपका, लेकिन आज 2-2 महीने हो जा रहे हैं, लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो लोगों के मन में बहुत सारा भ्रम पैदा हो गया नए यूट्यूबर्स के बारे में, कुछ भी समझ ले रहे हैं इस चीज़ के बारे में, कुछ भी मान रहे हैं। तो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो में क्या रीज़न है इस चीज़ का, आप परेशान मत होइए। देखिए गाइस, सबसे पहला, अगर ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा है आपके यूट्यूब अकाउंट में लॉगिन होने पे और आपने ये 3 टास्क पूरा कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स कंडीशन, एडसेंस अकाउंट को जोड़ लिया है और आपने मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस सेट कर दिया है, तो बस आप इंतज़ार कीजिए। इस स्क्रीन का ये मतलब नहीं होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, इस स्क्रीन का ये मतलब नहीं होता है कि आपका चैनल जो है डिसअप्रूव कर दिया गया है, आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको हम साफ साफ बता दे रहे हैं कि चाहे 2 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, जिस दिन आपका चैनल अप्रूव होगा मोनेटाइजेशन के लिए उस दिन आपको ईमेल आएगा और साथ ही साथ इस स्क्रीन पे ऊपर में स्टेटस लिख के आएगा मोनेटाइजेशन अनेबल्ड। अगर रिजेक्ट होगा, नहीं हुआ, ठीक है, रिव्यू फेल हो गया अगर आपको, तो भी ईमेल आएगा उस कंडीशन में, कंपलसरी आपको ईमेल आएगा, आप जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल उस पर आएगा कि आपका चैनल का जो है मोनेटाइजेशन रिजेक्ट किया गया और रीज़न क्या था वो भी बताया जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे इस स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के आएगा नॉट मोनेटाइज्ड, ठीक है, अंडर रिव्यू इन रिव्यू जो लिखा वो हट जाएगा वहाँ पे। तो इस स्क्रीन का मतलब आप बिल्कुल, अगर आ रहा है आपके पास तो आपको इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है, कोई फैसले आपके बारे में लिया नहीं गया है, आप बिल्कुल इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये चीज है। अब क्यों हो रहा है ये सब, हम थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि आज यूट्यूब पे पूरे इंडिया में जो स्टाफ यहाँ पे मैनेज करते हैं यूट्यूब इंडिया को, यहाँ पे हार्डली टोटली, आई होप कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, 500 के आसपास एम्प्लॉयज हैं जो कि यूट्यूब इंडिया को हैंडल करते हैं, दिल्ली, मुंबई और सारे ऑफिस को मिलाकर। और आज स्थिति ऐसी है इंडिया में कि मतलब हर रोज लाखों लाख चैनल बन रहे हैं और इवन ऐसे लोग, हम जैसे लोग जिनका एक चैनल भी है, वो भी अपना चैनल बना रहे हैं, 2-2, 3-3 लोग चैनल बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब ये रिव्यू का प्रोसेस जब चालू हो रहा है तो जो एम्प्लॉई है जो रिव्यू करता है वो देखता है आपके वीडियोज़ को किस तरह के वो मतलब आपके उनके YouTube की पॉलिसी को वायलेट तो नहीं कर रहा है, आप सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं गाइडलाइंस को, ये सब चीज़ को देखकर ना उनको डिसीजन देना। ऐसा नहीं कि बस अप्रूव डिसअप्रूव करना होता तो फटाफट हो जाता, लेकिन इसमें समय लगता है, वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आप एक एक चैनल को देख कर अप्रूवल दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये नियम बनाया है। क्यों है ना, नियम इसलिए बनाया क्योंकि कोई गलत काम जो कर रहा है, करते थे यूट्यूब पर, वो नहीं हो, इसलिए वो रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो आप बिल्कुल आप मन में ये बैठा लिया, अगर ये स्क्रीन आ रहा है आपके इन रिव्यू तो आपको वेट करना है, चाहे 2 महीने लग जाए चाहे 3 महीने लग जाए। हमने कम्युनिटी जो आपका यूट्यूब कम्युनिटी होता है, फोरम होता है, वहाँ पे जो सीनियर वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, इवन गूगल एम्प्लॉइज से भी चैट किया इस मामले में और उन्होंने बस यही एक रीज़न बताया कि एम्प्लॉय की कमी है और लोग बहुत ज़्यादा चैनल्स बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ चीज़ें हम बता दें जो अफवाह हैं वो सब चीज़ के बारे में। देखिए, आपको बस इस दौरान क्या करना है, काम करते रहना है। ठीक है, अपना काम करते रहिए, ठीक है, और वीडियो अपलोड करते रहिए, बनाते रहिए। अब देखिए, ये चीज़ आपको हम बनाना चाहते हैं कि अगर आप क्या ना करें, ठीक है, आप अगर व्यूज़, कुछ लोगों के मन में ये है कि भाई हम फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें अपनी वीडियोस को या नहीं,
तो देखिए शेयर बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, ऑर्गेनिक व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर उस रीजन से रिजेक्ट किया जाता है आपके आपके चैनल को कि मतलब अप्रूव नहीं किया, तो वो रीज़न दिया जाएगा वहाँ पे कि दिया जाएगा कि आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का या एक्सटर्नल ट्रैफिक का यूज़ किया है इसलिए रिजेक्ट हुआ है। तो आपको ये बता दे रहे कि मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि 30% से कम एक्सटर्नल व्यूज़ लें, बिल्कुल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें। तो इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाइए जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो ज़्यादा सर्च होते हैं उस तरह के वीडियोस। दूसरी चीज़ कि आप के चैनल पर अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस है या फिर कोई भी स्ट्राइक है, ठीक है, उस स्थिति में तो वो नहीं करेंगे, लेकिन वो मेंशन करेंगे जब आपका चैनल रिजेक्ट होगा उसमें मेंशन करेंगे कि क्यों किया गया। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर रिजेक्ट भी होता है आपका मोनेटाइजेशन तो आपके पास मौका मिलेगा एक महीने के बाद, आपको रीज़न बताया जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ वीडियोज़ सही नहीं हैं जो कि वॉलेट करते हैं टर्म्स को, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। वो ये नहीं बताया कौन वीडियो डिलीट आपको आप वॉलेट कर रहे हैं, आपको खुद से डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा वीडियो हमारा कम्युनिटी गाइडलाइंस या जो भी है वो वॉलेट कर रहा है, उसे आपको डिलीट करना होगा उस चैनल से, और अपना फ्रेश कंटेंट फिर से बना के अपलोड करते रहना होगा, और फिर दोबारा एक महीने के बाद फिर से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका रिजेक्ट भी हो जाता है अगर, तो आप परेशान मत होइए, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, और चाहे जो भी रीज़न हो रिजेक्शन का आपको बताया जाएगा, उस पर आपको अप्लाई करके आप काम कर सकते हैं। आप इसलिए भ्रम में मत रहिए, आप बिल्कुल फ्री माइंडेड रहिए, काम कीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। समय तो लगेगा ही, क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरह से धीरे धीरे काम करते रहेंगे, एक दिन आपका चैनल जरूर अप्रूव होगा, डोंट वरी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को बिल्कुल, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।